नमस्कार, ये थी मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ है। आज 3 जून गुरुवार का दिन है। सबसे पहले सुर्खियाँ। सिंगल डोज वाली रूस की स्पुतनिक लाइट कोरोना वैक्सीन बुजुर्गों में करीब 83% तक प्रभावी पाई गई है। देश के 15 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जबकि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के मामले में डोमिनिका कोर्ट में सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी को सजा सुनाई जाएगी। आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ बंगाल एकजुटता दिवस मनाएगा। पश्चिम बंगाल के सीएम और गवर्नर को चिट्ठी भेजेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र में 10वीं की परीक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी। अब खबरें देश दुनिया से। महामारी के समय दवा, इलाज, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अहम सवाल पूछे। हालांकि सरकार ने इस दौरान जब कोर्ट के अधिकारों पर सवाल उठाया तो अदालत ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि जब लोगों के अधिकारों पर हमला हो तो कोर्ट खामोश नहीं रह सकता। देश भर में सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के एग्जाम कैंसिल करने के बाद अब तक 5 राज्यों में 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की थी। अब 12वीं का रिजल्ट तय करने के लिए स्ट्रक्चरिंग क्राइटेरिया पर काम चल रहा है। इसमें करीब 2 हफ्ते का समय लगेगा। एक्ट्रेस जूही चावला की 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को ऑनलाइन सुनवाई की। हाई कोर्ट में जस्टिस जेआर मीणा की बेंच जब दलीलें सुन रही थी, उसी वक्त सुनवाई के पेज पर एक के बाद एक फिल्मी तराने सुनाई देने लगे। इसके बाद सुनवाई रोकनी पड़ी। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट मास्टर को इन लोगों को खोजकर अवमानना नोटिस देने का आदेश दिया है। मॉडर्ना और फाइजर की कोरोना वैक्सीन को जल्द से जल्द देश में उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार उनकी शर्तें मानने को तैयार हो गई है। DCGI ने कहा है कि अगर इन कंपनियों की वैक्सीन को बड़े देश और WHO से इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिली हुई है तो भारत में इन्हें लॉन्चिंग के बाद ब्रीजिंग ट्रायल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ही दिन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, करीबियों और पत्रकारों को ट्विटर पर अनफॉलो कर हलचल मचा दी है। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल ने मंगलवार को अपनी ही संसदीय कार्यकाल में कुछ लोगों और दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकारों को अनफॉलो कर दिया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक 6 साल की माहिरा इरफान ने पढ़ाई से परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की थी। माहिरा का वीडियो वायरल हो गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बच्ची की मांग मान ली और 4 घंटे की क्लास को 1.5 घंटे का कर दिया। इससे खुश माहिरा ने कहा कि वो अब अपने किचन सेट के साथ खेल सकेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 से 15 घंटों में मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है। ये तय वक्त से 2 दिन लेट है। केरल में 3 दिन से प्री मॉनसून बारिश जारी है। सैटेलाइट इमेज में केरल के तटवर्ती इलाकों और उससे सटे दक्षिण पूर्व अरब सागर में बादल छाए नजर आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने IPL के बाकी बचे 31 मैच संयुक्त अरब अमीरात में कराने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और सचिन जयशाह समेत कई टॉप अधिकारी फिलहाल UAE में ही हैं। IPL फेज 2 18 से 29 सितंबर के बीच शुरू हो सकता है, वहीं फाइनल्स 9 से 10 अक्टूबर को खेला जा सकता है। अब आज के मौसम का हाल जान लीजिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का अधिकतम तापमान 34 डिग्री, बादल और तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा, यहां बादल और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा और बादलों के साथ बारिश होने के आसार हैं। वहीं झारखंड की राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा और यहां बादलों के अलावा गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। बिहार की राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा, यहां आसमान साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा।
और आसमान साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहेगा और हल्की बारिश की संभावना है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा और हल्के बादल छाए रहेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा और यहां हल्की बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात की राजधानी अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहेगा और यहां हल्के बादल छाए रहेंगे। आज की ब्रीफ की खबरें लिखी विनेश दीक्षित ने, एडिट किया नरेंद्र सिंह राजपूत ने, इन्हें आवाज दी प्रज्ञा चतुर्वेदी ने। तो आज की ब्रीफ में इतना ही। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें। आपका दिन शुभ हो।